وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي वहलिसफ़ कह कौली अज़ीज़ साथियों और प्यारे भाई हो अल्लाह तबारक व तुरान मजीद में नबी करीम सल्लम ने अपनी बहुत सी अहदीत के अंदर बहुत से ऐसे क़स्से बयान किए हैं जिसमें हमारे और आपके लिए भाई से इबरत है चूँकिसों का असर इंसान के जहन पर और इंसान के मिजाज के ऊपर बड़ा अच्छा असर डालता है खा किसी चीज़ की तरगीब के सिलसिले में हो या किसी चीज़ से रुकने के सिलसिले में हो इसलिए कुरान मजीद ने उस तरफ खसूस तवज्जु दी है उन्हीं में से आज एक किस्सा मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ जो क़स्से हदीसों के अंदर मरवी है ये किस्सा असल में हज़रत सलमान फारसी रज़ील तू जो 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 मशहूर है कि अल्लाह के रसूल सलील वसम के बड़े करीबी सहाबी थे आप सर उन्हें सलमान अलखैर कहा करते थे उनके इस्लाम लाने का वाकया भी बड़ा दिलचस्प है लेकिन मैं उनका एक बयान करदा किस्सा आपके सामने रखता हूँ ररत सलमान फ़ारसी बयान करते हैं और यह क़सा एमाम हम्बर ने नबी किताब जहद के अंदर है इसी तरीक़े से इमाम इबन अबी शेबा ने अपनी मुसनफ़ के अंदर इमाम बहगर रमोल शाबुलाई ईमान के अंदर बहुत सी हदीद की किताबों में है जो हमारे लिए फ़िलन और ख़ास तौर पर जिन माहौल से हम और आप गुज़र रहे हैं उनमें उस माहौल में ये क़स्सा हमारे और आप लिए बहुत ही बात है रहते सलमान फारसी रवि तो बयान करते हैं कि एक बात कही उन्होंने अपने साथियों के सामने कि एक शख्स एक मक्खी के सब जन्नत में दाखिल हुआ और एक शख्स एक मक्खी ही की वजह से जहाना में चला गया लोगों ने पूछा कि ये कैसे मक्खी मक्खी क्या चीज़ है तो सलमान फारसी ने कहा यही मक्खी जो तुम्हारे कपड़ों पर आकर बैठती है यानी मैं किसी और मक्खी की बात नहीं कर रहा हूँ यही मक्खी जो तुम्हारे कपड़ों पर तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हारे जिस्मों के ऊपर आकर बैठती है और उसकी सबसे महबूब जगह बैठने की इंसान की नाक है जहाँ इंसान ज़्यादा तकलीफ़ होती है लेकिन वहाँ जरूर पूरी दुनिया में उसको जगह नहीं मिलेगी लेकिन इंसान की नाक पर बैठने के लिए उसको जगह ज़रूर मिल जाएगी इंसान को तंग करने के लिए तो कहा कि उसी मक्खी की बात है जो तुम्हारे कपड़े पर आकर के बैठती है तो कहा कि ये कैसे हुआ चाहते तो सलमान फारसी रविदयान तो फरमाते हैं कि तुमसे पहले जो लोग थे उनमें से दो मुसलमान एक बार किसी कौम के बुद के पास से गुजरे जिसके पास लोग बतौर मुजावर के बैठे हुए थे जैसे कि आम तौर पर देखें चाहे मुसलमानों की दरगाहें हों जो अपने को मुसलमान कहते हैं या हिंदुओं के जो है कोई मंदिर हो उसके पास कुछ लोग जा कर के बैठे रहते हैं और मुसलमानों की जो दरगाहें हैं वो किसी की कब्र रहती है किस कोई दफन है उसे बुत की शक्ल दे दी गई है और हिंदुओं के जो मंदिरें हैं उनके ऊपर खड़े करके कोई बुत बना दिया गया है इस लिहाज से कि शरा तौर पर दोनों की इबादत ना जाए और दोनों जगह बैठना कुफ़र और शिरक़ है इसमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं है तो वो लोग मुज्वर बन करके बैठे हुए थे उनका दोस्तूर था कि किसी को भी उस आगे से यानी जिसे रोड के ऊपर था तो वहाँ से किसी को भी गुजरने नहीं देते थे जब तक कि उस बुत के ऊपर कुछ चढ़ावा ना चढ़ा दे आज की जबान में उसे नजराना कहते हैं कोई और चीज़ का नाम देते हैं और हिंदू उसे कुछ और नाम देते हैं लेकिन असल चीज़ यह है कि गोया उस बुद को खुश करने के लिए ये काम वो लोग किया करते थे और हमने ऐसे भी देखा बसाओकात रोड के ऊपर बिल्कुल बांस और लकड़ी बांध देंगे और खड़े किए रहेंगे जब तक कोई आदमी जितने गाड़ी वाले जा रहे हैं ट्रक वाले जा रहे हैं जब तक कुछ देंगे नहीं तब तो तक आगे नहीं जाने देते हैं तो ऐसा उन लोगों का यह दोस्तूर था कि किसी को भी उस वक्त तक गुजरने नहीं देते दे जब तक कि उस बुत पर कुछ चढ़ावा ना चढ़ा दे चुनानचे उन लोगों ने उन दोनों से कहा हमारा यह दोस्तूर है कि इस बुत के पास से गुज़रने वाला हर शख्स कुछ ना कुछ उसके ऊपर चढ़ाए लिहाजा तुम लोग भी इन पर कुछ ना कुछ चढ़ाओ उन लोगों ने कहा यह तो शिरक है हम अल्लाह के अलावा किसी के लिए कोई नजराना पेश नहीं करते हम अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं करते उन लोगों ने कहा देखो कुछ ना कुछ तो चढ़ावा चुछ तो चढ़ाना पड़ेगा इसके बगैर छुटकारा नहीं है उन दोनों मुसलमानों ने कहा कि हमारे पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है न बकरा है न चादर है न मुर्गा है कोई चीज़ हमारे पास चढ़ाने के लिए नहीं है उन लोगों ने कहा देखो कुछ ना कुछ तो चढ़ाओ खा एक मक्खी ही क्यों ना हो आपस में बात बढ़ी और जिद होते होते यहाँ तक बात पहुँच गई कि उन लोगों ने कहा कि अब तुम लोगों को यहाँ से गुजरने हम नहीं देंगे यहाँ तक कि तुम लोग कुछ ना कुछ चढ़ाओ खा एक मक्खी ही क्यों ना हो वो दोनों बड़े परेशान हुए एक दूसरे की तरफ देखा और देखने के बाद एक दूसरे से पूछा क्या ख्याल ख्याल है अब मैं क्या करना चाहिए उनके दूसरे साथी ने कहा कि मैं तो अल्लाह के अलावा कोई चीज बतौर नजर के नहीं पेश करना चाहता मैं तो अल्लाह के अलावा किसी को भी खुश करने के लिए कोई जानवर या कोई चीज जबह नहीं करना चाहता तो उसने कहा यह कहना था उसका कि लोगों ने उसे कत्ल कर दिया ला अब जो कत्ल कर दिया हज़रत सलमान फारसी बयान करते हैं कि वो शख्स जन्नत में चला गया क्यों वो शहीद हो गया अल्लाह ताला के लिए उसे लोगों ने कत्ल किया है दूसरे ने जब देखा कि जान छूटने वाली नहीं है तो उसने अपने दिल में कहा कि एक मक्खी की अहमियत क्या है एक मक्खी क्या अहमियत है लिहाजा उसके मेहरे के ऊपर कोई मक्खी आई थी उसको पकड़ा उसको ऐसे मसला और कहा कि इस बुद्ध के नाम पर चढ़ा रहा हूँ मैं और उसे चढ़ा दिया लोगों ने उसको छोड़ दिया और इसी वजह से वह शख्स जहन्नम में चला गया ये किस्सा इमाम अहमद हम्बर ने अपनी किताब जोद के अंदर अंदरत सलमान फ़ारसी से बसंद सही नकल किया है इस किस्से की सेहत दो एतबार से हो सकती है और इसी वजह से मैं इस किस्से को यहाँ बयान कर रहा हूँ एक तो ये कि ये गैब की बात है सलमान फारसी ने इसे जब तक अल्लाह के रसूल से ना होगा इसलिए तब तक इसे बयान नहीं किया होगा इसलिए कोई सहाबी कोई ऐसी चीज़ नहीं बयान करता जो ग़ैब की हो जिसको पर वो हाजिर ना रहा हो एक वजह तो ये हो सकती है और अगर ये वजह ना भी हो तो हो सकता है सलमान फारसी रजील तो पहले क्या थे वो मजूसी थे और उसके बाद वो ग़ुलाम बना करके यहूद के यहाँ अहले किताब के यहाँ सालों रहे हैं पहले गला के अंदर रहे फिर उसके बाद मदीना मनोवर के यहूदियों ने उन्हें ख़रीदा और उनके यहाँ गुलामी करते थे और खिदमत करते थे तो हो सकता है कि ये बात उन्होंने किससे सुनी हो यहूदियों से सुनी हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हैदु अम बनी इसराइल फ़ैन नफीम का नतीजीब है तुम लोग बनु इसराइल के वाकयात बयान किया करो इसलिए कि बनु इसराइल के अंदर अजीब व गरीब चीज़ें पेश आती थी और साथियों सही है इस उम्मत मुसलमा में उतनी अजीब व गरीब चीज़ें नहीं पेश आती जितना बनु इसराइल के अंदर पेश आती थी बनु इसराइल के लिए देखिए अल्लाह तबारा ने मन्नो शलवा उनके ऊपर नाजिल किया था वो रसूल की नाफरमानी किए तो अल्लाह ने उनके ऊपर पहाड़ का साआ किया और करीब था पहाड़ उनके ऊपर गिर पड़ता लेकिन उन लोगों ने तोबा की तो तूर पहाड़ फिर अपनी जगह पर चला गया ये सारी कुरान की बातें हैं किसी और जगह नहीं एक जगह पर वो जा रहे थे उन्हें सख्त पानी की ज़रूरत पड़ी हज़रत मूसा सलाम उनके साथ थे पानी का मुतालबा किया तो हज़रत मूसा आलाम ने अपनी असा एक पत्थर के ऊपर मारी तो उससे बारह चश्मे जाहिर हो गए सिर्फ सुरसुर् बकरा आप पढ़िए देखें बनु इसराइल में कितनी अजीब गरीब चीज़ें पेश आया करती थी तो नबी सरम ने बयान फरमाया कि हद तुम अम बनी इसराइल तुम बनी इसराइल के वाक़ बयान करो क्योंकि उनके यहाँ अजीब व गरीब वाक़ पेश आते थे तो हो सकता है कि यह किस्सा हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला ने अगर हजरत अल्लाह के रसूल रसुलसमत नहीं सुना है तो इसका मतलब यह है कि यह बनू इसराइल से किस्सा लिया होगा यानी किसी भी सूरत में दोनों सूरतों में किसी में एक किस्सा इस लायक है कि हम और आप इससे इबरत हासिल करें और इससे सबक लें अब हम आपके सामने देखते हैं कि आखिर हमें इससे क्या सबक मिलता है साथियों तवज्जो देने की ज़रूरत है सबसे पहली चीज जरा देखें एक मक्खी आखिर उसकी क्या अहमियत है यानी हमारी आपकी नज़र में कितना मामूली सा ये शिरक है जैसा कि उस शख्स ने जिसने मक्की को बतौर नजराना के या बतौर कुर्बान के उस बुद के पर पेश किया था उसने क्या अरे मक्की की क्या अहमियत है जिस तरीके से आज के माहौल में हम में बहुत से लोग हालात से मुतासर हो करके दुश्मनों से मुतासिर हो करके बहुत से ऐसा काम कर जाते हैं जो शरीयत के खिलाफ है अपनी रोजी के बारे में बहुत से सौदा कर जाते हैं मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसी नौकरी उनको मिल रही है जिसमें उन्हें नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तो कहेंगे भाई क्या किया रोजी तो कमाना है ना चलो तो ठीक है नमाज सारी इकट्ठा करके पढ़ लेंगे तो वो यानी उसे मामूली चीजें समझते जबकि ये बहुत बड़ी चीज इंसान की हलाकत का सबा बन सकती है नमाज नमाज जो कि इतनी अहम चीज है कि एक वक्त की नमाज अगर किसी की छूट गई तो गोया उसका सारे मालो औलाद उसके जो कुछ भी है सारा का सारा वो बेकार चला गया तो बसा औकात इंसान एक चीज को हकीर समझता है लेकिन वो अल्लाह तबारक तआला के नज़दीक हकीर नहीं होती उन्हीं में से एक चीज शिरक है शिरक क्या मामूली ही क्यों ना हो वो अल्लाह तबारक तआला के नज़दीक काबिल गिरफ्त है इसीलिए अल्लाह यगफिरु मा भी वजह फिर यशा अल्लाह तला शिरक को नहीं बख्शेगा शिरक के अलावा जितने गुना हैं इंसान अगर अल्लाह चाहे तो बख्श सकता है लेकिन अल्लाह ताला का ये अहद है कि अल्लाह तबारक वाली मुशरिक को खास शर्क अकबर का मुर्तकिब है या शर्क असगर का मुर्तकिब है अल्लाह तबारक वाली उसे सजा ज़रूर देगा अगर शिरक अकबर का मुर्तकिब है तो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा और अगर शर्क असगर का मुर्तकिब है तो अपने जुर्म के एवज में अल्लाह ताला उसे हशर के मैदान में सजा दे दे जहन्नम में सजा दे करके निकाल दे अल्लाह ताला की मर्जी के ऊपर है तो इससे मालूम यह हुआ कि शिरक हा छोटा ही क्यों नहीं है जरा सोचे एक मक्खी की क्या हैसियत रहा है रहे। जो खाई भी नहीं जा सकती है जिसे खाया भी नहीं जा सकता है तो उन लोगों का क्या हाल होगा साथियों जो मजारात के ऊपर या गैर मुस्लिम जो हैं वो बुतों के ऊपर ले जा करके भैंसे हैं बैल हैं बकरे हैं मुर्गे हैं दबा करते हैं वो लोग अल्लाह ताला के नदी कितने बड़े मुजरिम शुमार होंगे ज़रा सोचने की बात है दूसरी चीज़ बसा औकात इंसान लापरवाही की वजह से या अपनी किसी दुनियावी मसलहत के पेश नज़र शिरक में पड़ जाता है और उसे एहसास नहीं रहता कि वो ऐसे अमल का मुरतकब हो रहा है जो उसके लिए जहन्नम में जाने का सबब है यही वजह है कि अल्लाह ताला के नेक बंदे शिरक से डरते थे और अल्लाह की पनाह चाहते थे हम और आप क्या हैं किसी वली की क्या बात है किसी आलिम की क्या बात है किसी बुजुर्ग और पीर की क्या बात है रत इब्राहिम अलतम से मुतालिक अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो भी अपने ऊपर और अपनी औलाद पर शर्क का खौफ रखते थे और दुआ करते थे अल्लाह ताला से ऐसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम के अंदर वही काला इब्राहीम और अबी जहादल बलद आमिना जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा उनके इस वाक़े को याद करो उनकी इस दुआ को भी याद करो क्या कहा रब्बी जअल हादल बलद आमिना ऐ अल्लाह ताला इस घर को तू अमन वाला घर बना वजनुबनी वबनी अन नअबुदल असनाम अल्लाह तू मुझे और मेरी औलाद को बुतों की पूजा से बचा यानी सोचे इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़े मशहूर साहबी माकिल नियसार है। वो कहते हैं मैं और हरते उबकर सिद्दीक नबी की की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने किसको किसी वली को नहीं हमें और आपको नहीं सिद्दीक अकबर अंबिया के बाद जिनका सबसे ऊंचा मकाम है अल्लाह के रसूल सरत उनको मुखातब करके फरमाया या अबा बकर लिशिर के फी कुम अखवा मिन दबी बिन न मे अबू बकर तुम्हारे दरमियान शिर का ऐसे शरायत करके जाएगा ऐसे छुप करके जैसे च्यूटी आहिशा है चलती है आपके बगल से आपके पीछे से च्यूटी आपके ऊपर आए जिसमें चढ़ जाए आपको एहसास नहीं होगा बल्कि बसा औकात अगर अधेरा है या काली कोई चीज है सामने से चल करके आपको अंदाजा नहीं लगेगा ऐसे ही शिर तुम्हारे अंसर आयाद करके जरा सोचें आप ये सुनना था रहते वो बकर सिद्दीक परेशान हो गए हम और आप कितना के मुसलिक सुनते हैं पढ़ते हैं कभी तवज्जो दी हमने और आपने कि कहीं हम शिरक के मुरतकब तो नहीं हो रहे हैं हमसे शिरक तो नहीं हो रहा है बकर सिद्दी के खौफ खा रहे हैं अबू बकर ने फरमाया अल्लाह के रसूल क्या शिरक यही नहीं है कि अल्लाह के साथ कोई दूसरा मबूद बनाया जाए आपने फरमाया अबू बकर याद रखो शिरक तुम्हारे दरमियान ऐसे शरायत करके जाएगा तुम्हारे बीच जैसे काल चिकने पत्थर के ऊपर चूंटी चल करके जाया करती है बकर ने कहा अल्लाह के रसूल वसल्लम आखिर इससे बचा कैसे जा सकता है आपने फरमाया तुम ये दुआ पढ़ लिया करो तो अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम शिरक को माफ़ कर देगा छोटे को भी और बड़े शिरक को भी वो क्या है अल्लाह मनी कभी कालम वस्तक शुरु कलिमालम अल्लाह तबारक वत मैं माफी चाहता हूं इस बात से कि जानते हुए तेरे साथ किसी को शरीक ठहराऊं और अगर अनजाने में कोई शिरक हो जा रहा है तो अल्लाह ताला उस सिलसिले में मुझे तू पनाह देना और माफ करना साथियों इसका मतलब यह है कि शिरक ऐसी चीज है जिससे डरना है तीसरी चीज आखिर शिरक है क्या चीज साथियों शिरक है हर वो काम जो अल्लाह की इबादत है शिरक बिलबाद की बात करूं हर वो काम जो अल्लाह की इबादत है उसमें से किसी को हिस्सा देना चाहे थोड़ा हिस्सा या बड़ा हिस्सा देना यही शिरका है मिसाल के तौर पर सजदा करना अल्लाह की इबादत है रुकू करना अल्लाह की इबादत है दुआ करना अल्लाह की इबादत है एहतराम से बिल्कुल किबला रुख और तादीम से खड़े हो जाना अल्लाह की इबादत है अब अगर कोई किसी कब्र के सामने इस तरीके से एहतराम से खड़ा हो जाए किसी कब्र को सजदा कर ले किसी पीर को सामने रुकू कर ले किसी इंसान को बतौर दुआ के पुकारे ये फला मेरी मदद करो वो मौजूद नहीं है सामने तो यही चीज़ शिरक है इसमें से छोटा कोई काम इसलिए कि उसने ऊंट नहीं चढ़ाया था बकरा नहीं चढ़ाया था सिर्फ एक मक्खी चढ़ाई थी जो खाई भी नहीं जा सकती उसके बावजूद अल्लाह तबारक व ने उसे क्या है जहन्नम में डाला चौथा तो फायदा साथियों गैर के नाम पर जानवर दबा करना शिरक है ये भी इबादत है अल्लाह तरह फरमाता है अल्लाह तबारक वाली मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी कुर्बानी क्या चीज कुर्बानी कुर्ब से बना है यानी अल्लाह का तकर्रब हासिल करने के लिए जानवर दबाह करना बल्कि सदका भी एक कुर्बानी में आएगा इसलिए कि सदका इंसान क्यों करता अल्लाह का तकरब हासिल करने के लिए तो गोया मेरी जिस्मानी इबादत और उसमें जैसे नमाज सबसे अहम है ऐसे माली इबादत उसमें सिर्फ कुर्बानी चढ़ावा चढ़ाना ये सारी चीज़ उसके अंदर दाखिल है अरे अल्लाह ताली मेरी नमाज और मेरी क़ुरबानी मेरा मरना और मेरा जीना किसके लिए है अल्लाह रब्लम के लिए यानी किसी और के लिए नहीं है साथियों यहाँ पर एक बात वाजह कर दूँ जानवर दबा करने की दो सूरत होती है एक सूरत यह है कि इंसान बतौर इबादत के नहीं बतौर आदत के जानवर दबा कर रहा है जैसे किसी के यहाँ मेहमान आ गए तो वो जानवर बकरा है मुर्गा है उसको दबा करके उसे खिला रहा है किसी शख्स को गोश्त की ज़रूरत पड़ी गोश्त खाने का जी कहता है अब बाजार से कहाँ लाए लाओ अपने पास एक बकरा है वही दबा करके अपने फ्रीजर में रख लेते हैं उसको खाते रहेंगे किसी के पास एक मुर्गा है गोश्त खाने का जी कहा चलो जो है उसको दबा कर ले रहे हैं किसी को शिकार करने का जी कहा गया शिकार के ऊपर मारा या उसको पकड़ा और उसको दबा कर दिया ये आदत के तौर पर है ये इबादत में नहीं है ये अपने खाने के लिए इंसान मेहमान के लिए कर रहा है लेकिन उसके लिए ये शर्त है कि इंसान बिसमिल्ला कह कर दबा करें और अगर बिसमिल्ला के साथ अल्लाह अकबर करे तो अच्छी चीज़ है बिस्मिल्लाह लेकिन अगर अल्लाह अकबर कहे तो اسم الله जिस जानवर पर अल्लाह का नाम यानी अल्लाह के नाम से नहीं दबा किया उसको तुम लोग ना खाओ नबी करीम वसल्लम की हदीस जो सही बुखारी और सही मुस्लिम है आपने बयान फनाया मा अन हर اسم الله आलही फकुल जो जानवर उसका खून बहे और अल्लाह का नाम लेकर के उसका खून बहाया जाए तो क्या है उसको तुम खाओ तो यह चीज़ इबादत नहीं क्या है बतौर आदत की है यह चीज़ बतौर आदत की है दूसरा यह है कि इंसान बतौर इबादत के ज़बह करे यानी इस वबह करने का मकसद अल्लाह तबारक वाल का नजदीकी हासिल करना है कि अल्लाह तहम से राज़ी हो जाए जैसे इंसान कुर्बानी करता है जिस तरीके से हज के मौके पर इंसान बतौर हज के जानवर जबाह करता है ये चीज़ क्या है बतौर तकर्रब के है ये अवलन ये अगर किसी और का कुर्ब हासिल करने के लिए दबा किया जाए कि कोई और हमसे राज़ी हो तो यही चीज़ क्या है शिरक में दाखिल है और रिदा के बारे में होगा कि शिरके असगर शिरके अकबर होगा मिसाल के तौर पर आपने किसी लीडर को वजीर को बड़े को दावत दी आपके पास इस्तात नहीं है लेकिन सोचते हैं कि अगर हमने इनके लिए मुर्गा नहीं दबा किया और इनके लिए अगर हमने बकरा नहीं दबा किया तो ये मेरा काम क्या है नहीं होगा नाराज़ होंगे मेरी इज्जत नहीं की तब तो आप जो है उनको राज़ी करने के लिए आप जो है बकरा दबा करके खिलाएं तो इसका मतलब यह है कि ये अल्लाह के लिए आपने नहीं दबा किया अगर ये होता कि आप मेहमान की इज्जत करनी चाहिए अल्लाह ने मेहमान के इज़्ज़त का हुक्म दिया है लिहाजा हम इसको ज़बा करते हैं तो ये तब तो का काम होता और अगर आप उसे इसलिए दबा करते हैं कि हाँ भाई किसी पीर के नाम से वो खुश हो जाए हमसे ग्रह वाले हमसे खुश हो जाएं गरीब नवाज हमसे खुश हो जाएं दस्तगीर हमसे खुश हो जाए गेसु दराज हमसे खुश हो जाए तो इसमें अगर एक अंडा भी अगर वहां पर दिया गया तो यह क्या है शिरक में दाखिल और ये शिरक अकबर है इसीलिए देखें उसने बुद्ध के ऊपर क्या है सिर्फ एक मक्खी चढ़ाई थी बस एक मक्खी क्यों उसका मकसद क्या था उस बुद्ध को राजी करना था इसलिए उसकी वजह से क्या है वो शख्स जहन्नम में गया है इसीलिए तो अल्लाह तबारक व इस सिलसिले में बड़ी सख्त वहीद बयान फरमाई उलमा कहते हैं अगर वो जानवर किसी मजार के ऊपर किसी खानकाह के ऊपर इसलिए दबा किया जाए ताकि वो जो मज़ार वाले नीचे दबा रहे वो राजी हो जाए अगर बिस्मिल्लाबर कहकर के भी दबा किया फिर भी यह शिर्क में दाखिल होगा साथियों हो। पांचवा फ़ायदा तौहीद और उस पर साबितदमी की फजीलत उस शख्स को अल्लाह ताला ने उसके तमाम गुनाहों पर कोई नजर नहीं की सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर दिए सिर्फ इसलिए कि वो आला रह गया कि मैं अल्लाह के अलावा किसी के नाम से कोई चीज चढ़ाने ये शिरक ये नहीं चढ़ाऊंगा हत्ता की लोगों ने मुतालबा किया कि एक मक्की क्यों ना हो कहा इतना छोटा शिरक भी बारिकाली साथ में नहीं कर सकता तो तो यह है कि खुदा हशर में कह दे बंदम से खफा मेरे लिए है सारी दुनिया से क्यों दुश्मनी उसने बोली क्यों मैं अल्लाह के लिए तो दरा तो और सादी कदमी की फजीलत देखिए कि अल्लाह तला ने कैसे उसको यहाँ पर एक मसला और बहुत वादे कर दू और इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि जान और माल बचाने के लिए मजबूर होकर अगर कोई कुफ्र करता है तो उसकी दो सूरत है आज के माहौल में साथियों इस पर खूसी तोज्ह देने की जरूरत है जान और माल बचाने के लिए मजबूरन अगर कोई कुफ्र करता है कलमे कुफ्र अदा करता है तो उसकी दो सूरत है सिर्फ उसका मकसद छुटकारा हासिल करना हो अलबत्ता दिल से उसको कभी समझता है और इस्लाम की हक्कानियत पर उसका दिल मुतमईन है उसका मकसद है कि मैं इसे कैसे छुटकारा तो हासिल करूं तो फिर उसके बाद हम इसे भाग जाएंगे यह पहली सूरत है दूसरी सूरत यह है कि जुबान जुबान के साथ दिल से भी उस पर राजी हो जाए अगर से उसको हक नहीं समझता लेकिन उसके ऊपर राजी हो जा रहा है जैसे बहुत से लोग झूठी शहादत यानी कोई आदमी आपसे कहे कि आप मेरे आप लिए गवाही दे दें आप जान रहे हैं कि झूठा है लेकिन उसको राजी करने के लिए आप गवाही देने पर राजी हो जा रहे हैं गोया अगर से आपके दिल में है कि हाँ यह झूठा है मैं झूठी गवाही दे रहा हूं लेकिन अल्लाह ताला के नदी आप मुजरिम हैं तो ऐसे अगर किसी का मकसद छुटकारा हासिल करना और दिल से उस पर राजी भी है खा अगर तो उसको गलत समझता है जैसे हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं बहुत काम को गलत समझते हैं लेकिन वो काम करते हैं ऐसा बहुत सा है कि आप समझिए कि हती की एक खाशा औरत भी जो काम करती है समझती कि यह काम गलत है एक आदमी रिश्वत लेता समझता है कि यह काम गलत है इसे चुप करके लेता है वो लेकिन उसके बावजूद वो ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं बल्कि उसके ऊपर रजामंद हो जाना ये बहुत ही खतरनाक चीज है और देर बहुत किस्से के अंदर यही चीज है कि वो गोया राजी हो गया किस बात के ऊपर कि हाँ भाई ठीक है इस बुद्ध के नाम पर हम एक मक्खी चढ़ा दे रहे हैं अल्लाह है अल्ला मन कफर ईमान ही इल्ला मन उकर वकल बहुत बिल ईमान शख्स ईमान लाने के बाद कुफ्र करे वो अगर मजबूर किया गया और दिल उसका ईमान पर मुतमैन है तब तो खैर है मगर जिसने दिल की रजामंदी से कुफ्र कर लिया है उस पर अल्लाह का गदब है और यही लोग हैं जिनके लिए बड़ा अदाब तैयार है रत अम्माबन यासिर रजी अल्लाह तू उनकी सीरत में आता है कि उनको मुशरकिन ने एक बार पकड़ लिया और बहुत तकलीफ़ दी अजियत पहुँचाई यहां तक कि कहा कि तुम ये कहो कि हम जिस रास्ते पर है वो हक है और मोहम्मद नाउजबालिक झूठे हैं नाउजिल्लाक हत्या आसर को इतनी तकलीफें दी इतनी तकलीफें दी कि वो ये बात कहने पर मजबूर हो गए और काफिरों ने उन्हें छोड़ दिया मुशरकों ने मक्का के अंदर कवा क्या है वो नबी रोते हुए आए और कहा अरे अल्लाह के रसूल सर कहा हमसे तो ऐसी आज गलती हो गई है कहा क्या कहा आज मुशरकिन ने मुझसे जो कुछ आपके खिलाफ कहलवाना चाहा है कहलवा लिया है और अपने बातिल मदाब और बुतों की ताईद करा ली है आपने फरमाया ये बताओ जब तुमने ये बात कही तो उस बारे में तुम्हारे दिल में क्या था हमने कहा मेरा दिल तो आपके ऊपर ईमान लाने में आपकी सच्चाई पर मुतमइन है मैं उसे कभी छोड़ नहीं सकता तो आपने फरमाया कोई बात नहीं अगर दोबारा तुम्हें फिर तुम ये काम कर लेना तो गोया अगर इंसान दिल से उस पर राजी नहीं हो रहा है उस अमल के ऊपर तो गोया की वो चीज़ उसके लिए क्या है कुफर का सबब नहीं बनेगी लेकिन दिल से राजी हो जाए जिन हालात पर उसी पर मुतमिन हो जाए यानी कि क्यों शख्स है किसी मुल्क में है जिसे आजकल फ्रांसा वगैरह दूसरी जगह पर हो रहा है वहां के लोग उसे नमाज नहीं पढ़ने दें तोहेद पर अमल ना करने दें कहें क्या करें हमें नहीं करने और उसी के ऊपर मुतमिन हो जाए छुप करके भी नमाज ना पढ़े वहां से निकलने की कोशिश भी ना करे तो गोया ये शख्स जो है कुफर का मुरतकिब हो रहा है लेकिन उनके मजबूर करने पर वक्ती तौर पर वहां कह ले कि दिल में यह रहे कि हमें किसी तरह से इनसे फुर्सत मिल जाए और चला जाऊं मैं यहां से तो उसके ऊपर ये हुक्म नहीं लगेगा साथियों तो एक छोटा सा वाक़ था जिससे तोहैद की और शिरक़ की अहमियत हवादे होती थी जिसका जिक्र हमने आपके सामने किया अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे और आपकी ईमान की हफाजत फरमाए अल्लाह ताला हर किस्म के शिरक़ से हमारी हफाजत फरमाए अल्लाह ताला शिरक़ की बुराइयों से शिरक़ी कबाहत से हमारी हफाजत फरमाए और अल्लाह ताली तोहैद की दौलत से हमको नवादे असलम वरम वरक ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने में हमारी मदद करें